सो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये ब्लॉग किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो जैसा कि आज अलविदा जुमा है और अलविदा जुमे में जो किशनगंज बाज़ार है वो किस तरह सजता है, किस तरह यहाँ नमाजें होती है, वो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ नमाज के बाद जो यहाँ का मेन मार्केट है किशनगंज बाज़ार का मार्केट, उस पूरे बाज़ार के मार्केट को हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि नमाज से पहले का जो यहाँ का माहौल है वो कैसा है और नमाज के बाद का जो व्यू है वो कैसा है। वीडियो को एंड तक देखना आपको और अपने जितने भी लोग हैं सभी को इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी अलविदा जुमा जो है, अलविदा जुमा की नमाज जो आपसे कुछ देर में स्टार्ट होने वाली है, तो पहले वो आपको दिखा देते हैं कि कैसे यहाँ नमाज होती है। उसके बाद नमाज के बाद पूरे मार्केट को हम एक्सप्लोर करने के लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि कौन कौन सी दुकानें यहाँ पर इस वक्त रमज़ान के टाइम में लगती है और कैसा यहाँ का व्यू है। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं तो अलविदा जुमा की नमाज को और पूरे मार्केट को एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। गाइज, अभी अलविदा जुमा की नमाज जो मुकम्मल हो चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभी लगा था मैट और नमाज पढ़ने के लिए, तो यहाँ नमाज अभी कंप्लीट हो चुकी है और अभी नमाज के बाद का माहौल कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। बाकी हम एक एक करके पार्टिकुलर दुकान का वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि अभी का जो सीन है, अभी का जो व्यू है वो नमाज के बाद किस तरीके का है। तो चलिए पूरे मार्केट को हम एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके और पूरे मार्केट को हम एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं कि अलविदा जुमा के बाद किस तरीके का यहाँ व्यू आ रहा है। तो चलिए पूरे मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए हम चलते हैं। कुछ इस तरीके का व्यू है नमाज के बाद का। काफ़ी दिनों से तेज़ धूप हो रही थी तो यहाँ पर जो है पंडाल वगैरह लगाया गया था कि यहाँ पर धूप वगैरह ना हो। बाकी नमाज के बाद का कुछ इस तरीके का यहाँ व्यू है, सफाई की दुकानें हैं। और आगे चलते हैं, आगे चलकर हम आपको पूरे मार्केट को एक्सप्लोर कर दिखाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ईद है तो ईद की तैयारी के लिए यहाँ पर कई सारी दुकानें लगी हुई है। आप देख सकते हैं बहुत तरह की सवैयाँ की आइटम है और अभी से लेकर रात तक ये दुकानें खुली रहेगी, लेट नाइट तक ये दुकानें जो है खुली रहती है। तो व्यू आप देख ले कुछ इस तरीके का है। तो चलिए हम आगे भी चलते हैं, आगे चलकर आपको आगे का भी व्यू दिखाते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं इधर जो है अतर की दुकानें लगी हुई है, अतर की दुकान को आप, बाकी इधर भी आप देख सकते हैं सवई की दुकानें लगी हुई है। ज़्यादातर दुकानें आपको सवई की दिखेगी क्योंकि जैसा कि ईद है कल, तो ईद में ज़्यादातर लोग जो है सवैया बनाते हैं, तो कई तरह की सवई की यहाँ आइटम आप देख सकते। Thank you.
गाइज अभी मैंने आपको यहाँ का जो भी व्यू था वो मैंने आपको दिखा दिया, अलविदा जुमा कैसे यहाँ पर पढ़ी गई वो भी मैंने आपको दिखाया, अलविदा जुमा के बाद जो मार्केट का व्यू था वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि मार्केट में किस तरीके का यहाँ व्यू होता है किशनगंज बाज़ार में। लेकिन रात में भी एक बहुत ही अच्छा व्यू होता है यहाँ पर किशनगंज बाज़ार का, और आज अलविदा जुमा भी था और चांद रात भी है, तो रात को भी बहुत अच्छा ही व्यू होने वाला है। तो अभी मैं इस ब्लॉग का एंड नहीं कर रहा हूँ, मैं मिलता हूँ फिर आपसे रात के वक्त इफ्तार के बाद, और अभी इस वीडियो को कट करते हैं और मिलते हैं हम आपसे इफ्तार के बाद रात के वक्त। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था दिन के वक्त कि रात का जो व्यू होगा किशनगंज बाज़ार का वो आपको मैं दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। तो अभी इफ्तार हो चुका है और शाम के इस वक्त बज रहे हैं 8, तो अभी हम आ चुके हैं किशनगंज बाज़ार को फिर से एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो जुमा अलविदा के बाद जो मार्केट का व्यू था वो मैंने एक्सप्लोर कर आपको दिखा, लेकिन मैंने कहा था कि आपको रात के वक्त का भी व्यू आपको दिखाऊंगा, क्योंकि रात के वक्त का जो व्यू होता है काफ़ी सुंदर होता है। तो अभी हम आ चुके हैं किशनगंज बाज़ार में, रात के 8 बज रहे हैं और फिर हम आपको यहाँ के जितनी भी व्यू है रात के वक्त का वो आपको दिखाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस दुकान से, देख सकते हैं ये अभी हम आ चुके हैं एक जिशान भाई के दुकान पे। ये जिशान भाई है, जिशान भाई के भाई हैं, बड़े भाई जिशान भाई के वालिद साहब बैठे हुए। इनका जो शॉप है वो अतर और टोपियों का है स्पेशली, और घासपट्टी मस्जिद के नीचे ही इनका जो शॉप है वो आप अगर आना चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। बाकी चलिए पूरे बाज़ार को एक्सप्लोर करते हैं धीरे धीरे और फिर आपको एंड में हम आपसे बात करते हैं। ये था अलविदा जुमा और चांद रात का ब्लॉग। तो आज जो कुछ भी दिन में था वो मैंने आपको एक्सप्लोर करके दिखाया, दिन के वक्त मैंने दिखाया आपको कि किस तरीके से यहाँ पर अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी गई, और अलविदा जुमा के बाद का जो भी व्यू था मार्केट का वो भी मैंने आपको एक्सप्लोर करके दिखाया, और मैंने कहा था कि रात को भी मैं एक्सप्लोर करूँगा मार्केट को, तो वो भी मैंने एक्सप्लोर कर आपको दिखाया। तो अभी जो है चांद रात का काफ़ी रश है मार्केट में, ये पूरे बाज़ार को हमने एक्सप्लोर करके दिखाया, और ये अभी हम आ चुके हैं ये सेल्फी पॉइंट के पास, और सेल्फी पॉइंट के पास आकर हम इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना है। दीजिए आप मुझे इजाज़त, मिलते हैं हम आपसे फिर दूसरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को ईद मुबारक।